पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जैसे कि हमने पहले बचपन में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में 9th क्लास में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कि सेम एलिमेंट के बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके एलोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। जैसे हमने कार्बन के केस में देखे थे, हमने डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिन जैसे बहुत सारे हमने उसके देखे थे, है ना। तो ये सब क्या थे उसके, हम कहते हैं उन्हें क्या है, वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो उसी तरह हम सेम यहाँ पे पढ़ने वाले फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो हमारे पास तीन जो है बेसिक एलोट्रॉप्स हैं फॉस्फोरस के, नेमली वाइट फॉस्फोरस, जिसे हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं, है ना। वाइट और येलो जो होते हैं उन्हें हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, वाइट फॉस्फोरस या फिर येलो फॉस्फोरस, सेम ही प्रॉपर्टी होती है इनकी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेड फॉस्फोरस, और नेक्स्ट है हमारे पास फिर ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो इनके जैसे कि नाम है वैसे ही इनको आपको लग रहा होगा कि है तो सबके सब फॉस्फोरस ही, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे अलग होगी, तो ये आपको समझ में आएगा तब जब मैं आपको एक एक करके इनको डिस्कस करवाऊंगी, इनकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक जो फॉस्फोरस है कितना अलग जो है इसका स्ट्रक्चर है, अलग अलग ढंग से ये बॉन्डिंग बना सकता है, तब आपको ये डिफरेंस पता चलेगा इन तीनों के तीनों फॉस्फोरस में। तो लेट्स स्टार्ट, तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट जो कि है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस जैसे कि है इसका नाम, इसका जो फॉर्मूला होगा बाकियों की तरह P4 ही होगा, ठीक है। तो सभी का जो फॉर्मूला होगा वो भी P4 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम प्रिपेयर करेंगे वाइट फॉस्फोरस को, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि इसका फॉर्मूला जो होगा सेम ही रहेगा। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास होती है बेसिकली दो स्टेप्स, ठीक है। तो दो स्टेप्स में जो होता है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस बनके तैयार हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, किनकी हेल्प से हम वाइट फॉस्फोरस को तैयार कर लेंगे, यानी कि P4 को तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिएक्शन स्टार्ट होनी है और फिर हमारे पास फाइनली जब बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, तो उसी की हेल्प से हमें बनाना है। तो हमारा सोर्स क्या है, हम लोग लेते हैं दो मेन चीज़ें। पहली होती है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि Ca3PO4 2, ठीक है। इसे हमें बनाया कैसे है, देखिए हम जानते हैं कैल्शियम क्या होता है, Ca2+ होता है, और फॉस्फेट क्या होता है, PO4-3-, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन जाएगा, Ca3PO4 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार आ गया, है ना। तो ये हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है, हमें हमेशा जब भी आपको पता है नाम पता है, तो बस आपको क्या करना है, उनकी जो भी आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी कंपाउंड बनाना है वो बन जाएगा आपके पास, है ना। तो ये हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका एक और नाम होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताना चाहिए, उसका नाम होता है फॉस्फोराइट रॉक, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइट रॉक, ठीक है। फॉस्फोराइट रॉक से भी इसे हम जानते हैं और कॉमनली हम इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट इसे हम बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फोराइट रॉक जिसे हम कहते हैं। इसका हम कराते हैं रिएक्शन सिलिका डाइऑक्साइड से, यानी कि हम SiO2 से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है SiO2 का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास सिलिका डाइऑक्साइड है, इससे हमने रिएक्शन करवानी है अपनी फॉस्फोराइट रॉक, और जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। तो इनको हम जब रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम और सिलिका की ऑक्साइड जो होती है रिएक्ट कर जाते हैं इन सर्टेन टेम्परेचर, और वो भी बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर होता है 1773 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर में हम इसे, पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है उसी में ही हम इसे प्रिपेयर करते हैं। तो हाई टेम्परेचर में ये सब चीज़ें जो होती हैं हो रही होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलिका और कैल्शियम, मैं आपको बोल रही थी कि इनका क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाता है, रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, CaSiO3 सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट इन्होंने बना दिया। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, अभी फॉस्फोरस बच गया, ऑक्सीजन बच गया, तो ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं P4O10। P4O10 जो होता है इसे हम एक और चीज़ कहते हैं, देखिए इसे अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। तो ये इसे हम एक और चीज़ कहते हैं, वो होती है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो अब आपको समझ में आई होगी हमने P4O10 को पेंटाऑक्साइड क्यों बोला है, क्योंकि अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि बैलेंसिंग के रिगार्डिंग रहेगा, तो P4O10 के फॉर्म में ही हम इसे लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉस्फोरस
फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपली लिया है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट का रिएक्शन कराया है सिलिका डाइऑक्साइड से। सिलिका डाइऑक्साइड और कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि 1773 केल्विन में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। कैल्शियम और सिलिका ने रिएक्ट किया है और कैल्शियम सिलिकेट बनाया है। फिर उसके बाद जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बच जाते हैं वो बनाते हैं P4O10। तो स्टार्ट करते हैं विद बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे कैल्शियम जो है कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे दो हैं और इसी तरफ यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैल्शियम जो है एक है और यहाँ पर तीन है। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये क्या हो जाए एक इवन नंबर में आ जाए और ऑक्सीजन भी जो है साथ में बैलेंस होने लगे, ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 से करेंगे डायरेक्टली, ताकि ये जो दोनों के दोनों कैल्शियम है ये दोनों के दोनों 6 हो जाए, क्योंकि जो सिलिका है हमारे पास वो है हमारे पास अलग से, तो हम उसे आराम से 6 से मल्टीप्लाई करके उसे 6 बना सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास सिलिका हो गया बैलेंस्ड और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 8 है, 8 to 16, ठीक है। तो 16 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 28 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट की अगर हम बात करें तो राइट में भी आपके पास देखिए यहाँ पे 18 और 28 यहाँ पर भी हो गए हैं। फॉस्फोरस भी यहाँ पर कितने हो गए हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस भी बैलेंस्ड है। तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड राइट नाउ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पर इसका स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम P4 जो है बनाएंगे वाइट फॉस्फोरस बनाएंगे। अब हमारे पास अब जो बन गया है यानी कि P4O10, मैंने आपको बोला जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से हमने बनाना है हमारा वाइट फॉस्फोरस। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अब जो हमारे पास रिएक्टेंट बच गया था, प्रोडक्ट बन गया हमारे पास P4O10, अब इसी का हम यूज़ करेंगे। P4O10 को हम रिएक्ट करवा देंगे विद 10 moles of carbon। 10 moles of carbon से हमने करवाया है रिएक्ट P4O10 को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होगा सेम रहेगा यानी कि 1773 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर ये जो होगा हमने जो कार्बन लिया है यहाँ पर ये वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यानी कि ये क्या करेगा, दूसरों को क्या करा रहा होगा, रिड्यूस करा रहा होगा, और खुद को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, वैसे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से जानते हैं बट यहाँ पर के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और जो P4 होता है वो P4O10 जो होता है P4 जो है वाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास वाइट फॉस्फोरस। ओके, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कार्बन, कार्बन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, और वो भी अब अगर इसे हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पड़ेंगे हमें। तो देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास टोटल, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑक्सीजन तो हमारे पास है पूरे के पूरे 10 यहाँ यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर भी अब हमारे पास हो गए 10। तो कार्बन यहाँ पर देखिए कार्बन 10 है और ऑक्सीजन 10 है, P4 है, तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं पी के जो चारों के चारों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, ये देखिए ये रहा पी का अरेंजमेंट, इसी तरह से आप अरेंज करेंगे। और जो एक पी होता है 3-3 बॉन्ड बनाता है वो बाकी 3 P से फॉस्फोरस से। तो यहाँ पर देखिए सभी का पी का जो है बॉन्ड बन चुका है, सभी का बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर कितना बन गया है, यहाँ पर 3-3 बॉन्ड सभी का बन चुका है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है आपके पास ये है टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखिए अब आप समझेंगे एक बात कि अगर आपके पास फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 9 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर के बनने के वजह से वो हो जाता है बहुत ज़्यादा कम, ये होता है 60 डिग्री होता है, 109 की वजह यहाँ पर 60 डिग्री होता है। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हुआ है एंगल स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा हाई एंगल स्ट्रेन होता है, ये जो फॉस्फोरस की P4 की स्ट्रक्चर बनती है इसमें हाई एंगल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर रीज़न है हाई एंगल स्ट्रेन, ठीक है।
तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास P4 होता है, वाइट फॉस्फोरस, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये जो एक रीज़न है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो था, बट यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है जिसके वजह से बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रेन होके, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, और ये 60 डिग्री यहाँ पर इसका अब बॉन्ड एंगल हो गया, जो कि होना 109 डिग्री होना चाहिए था, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सबके सब फॉस्फोरस बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री के एंगल से बनाते हैं, और हाई एंगल स्ट्रेन यहाँ पर है। तो वो हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो पहली प्रॉपर्टी ही इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है नेचर में। इसी की वजह से जो भी हमारे पास वर्कर्स होते हैं, फॉस्फोरस डेवलप, जो भी वाइट फॉस्फोरस जहाँ बन रहा होता है, तो वहाँ पर उन लोगों को एक कॉमन डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉसी जॉ, ठीक है। फॉसी जॉ हो जाता है उन्हें, जिसमें क्या होता है, जो जॉ जॉ बोन होती है हमारी, जॉ बोन आप जानते हैं, तो जॉ बोन जो होती है वो ख़राब होने लग जाती है। किसकी वजह से, ये फॉस्फोरस की वजह से, वाइट फॉस्फोरस जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस में फॉसी जॉ डिजीज़ हो जाती है, तो आपको बताना चाहिए ये कौन से में होती है, हमारे वाइट फॉस्फोरस में होती है। इसमें क्या डिजीज़ हो जाती है, फॉसी जॉ, उसमें क्या होता है, उसमें जॉ बोन जो होती है डीके हो जाती है, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा रीज़न लिखेंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है नेचर में, ये मेन रीज़न है जिसको आप लिखेंगे, ओके। तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये जो होता है बहुत ही कम वैल्यू में जो होता है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा में टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है इसको, इसको ब्रेक करने के लिए, तो बहुत ही कम इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो सिंपल सा रीज़न है यहाँ पर, इट हैज़ लो वैल्यूज़ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत रिएक्टिव है, तो ज़्यादातर रिएक्टिव चीज़ें जो होती है वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे पास वाइट फॉस्फोरस है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और जो भी चीज़ वाटर में इनसॉल्युबल होती है वो हमेशा सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। जैसे हमारे पास है कार्बन सल्फाइड है, बहुत से और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, उनमें ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं, मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम देखेंगे इसका एक्शन ऑफ एयर, तो यानी कि ये क्या करेगा, एयर से भी रिएक्ट कर जाता है। तो रीज़न भी देखिए यही है जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रेडिली कैचेस फायर इन एयर, तो मतलब जल्दी से किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन जो है उससे रिएक्ट कर जाएगा, और इससे क्या होता है कि जब ये रिएक्ट, मतलब जब कभी आग लग गई, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस को हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आए, तो एक आग टाइप की लग जाती है जिसमें ग्रीनिश ग्लो हमें दिखाई देता है, ठीक है। जो कि अगर हमारा जैसे कमरा अगर अंधेरा होगा तो हमें वो तभी दिखाई देगा, उजाले में उतना वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसी को हम, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कैमी ल्यूमिनेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, क्योंकि फॉस्फोरस के वजह से हो रहा है, तो फॉस्फोरेसेंस या फिर कैमी ल्यूमिनेसेंस हम इसे कहते हैं, ओके। तो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार कि रिएक्शन इसका कैसे होता है। देखिए जो फॉस्फोरस होता है P4, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के 5 मोल्स से, जब 5 मोल्स ऑक्सीजन लेते हैं तो ये बना देता है P4O10, जस्ट अभी हमने पढ़ा था P4O10 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है यहाँ पर बनता है, जिसकी हमें दिखाई देती हैं वाइट फ्यूम्स, ठीक है। और यही वाइट फ्यूम्स जो होती है अंधेरे में आपको दिखाई दे रही होती हैं, बेसिकली वाइट फ्यूम्स यही दिखाई दे रही होती है आपको, ठीक है। कुछ ग्रीनिश ग्लो जैसा दिखाई देता है, अगर हम आपको, अगर नाइट का है अभी टाइम या फिर डार्क है, तो आप तब देख सकते हैं आराम से, उसकी ग्लो आपको दिखाई देगी। और यही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन इट बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसे हम कहते हैं। तो आपको ये बात बतानी चाहिए कि यहाँ पर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइट फ्यूम्स हमें किसकी दिखाई देती है, जब हम जो फॉस्फोरस है उसको हम एयर के कांटेक्ट में ले आते हैं, या फिर क्वेश्चन उल्टा कर सकते हैं, है ना, फॉस्फोरस
फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कब बनता है ऐसे बोल सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे तो यही पूछेंगे कि आपके पास जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही P4 क्या बनाता है और किसकी वाइट फ्यूम्स वो दिखाई दे रही होती हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको खुद सोचने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इस सेंस में हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजन। तो अगर हम P4 का रिएक्शन करा देते हैं, वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से, तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो हो सकता है कि जो हमने फॉस्फोरस लिया हुआ है P4 वो ज़्यादा हो, और या तो ये केस हो सकता है कि वो कम हो। तो ऐसा सोचते हैं कि जो P4 अभी हमने लिया है वो कम लिया है, और जो हमारे पास Cl2 है वो हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, एक्सेस में है, लिमिटेड है। पहले तो हम लिमिटेड केस का करते हैं, उसके बाद एक्सेस में लेंगे इसी को। लिमिटेड हमने लिया है क्लोरीन और उसके बाद हम लेंगे एक्सेस में, तो यानी कि कंपैरिजन में अगर देखें तो फास्फोरस ज़्यादा होगा। और ये जब रिएक्ट करते हैं P4 और Cl, ये बनाते हैं PCl3। आप तो जानते ही होंगे PCl3 इनका कंपाउंड बनता है, स्टेबल है, सो PCl3 बनता है। और अगर हम इससे बैलेंस कर लें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर P4 है तो यहाँ पर बी से हम 4 कर देंगे, ये 12 हो गया है, तो यहाँ पर हम 6 to 12 हो जाएगा ये। अब यही केस अगर हम बनाएंगे फॉस्फोरस के लिए, और मगर यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोरीन जो होगा हम यहाँ पे इसे एक्सेस में लेंगे, तो एक्सेस प्रोडक्ट जो होगा क्लोरीन से रिलेटेड बनेगा और ज़्यादा बनेगा। तो एक्सेस में अगर हमने क्लोरीन ले लिया तो सिंपल प्रोडक्ट तो वही बनेगा PCl, मगर 5 बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है। तो समझ में आ रहा है कि अगर लिमिटेड में होगा तो PCl3, और अगर एक्सेस में है तो PCl5 बनेगा। इसे भी बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 आपके दिखाई दे रहे हैं, फॉस्फोरस 4 है और Cl जो यहाँ पे 5 है, तो 5 × 4 यहाँ पर आपके पास, आपको कितने बनाने हैं, 20 बनाने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद एल्कलीज। तो रिएक्शन हम करवाएंगे P4 का रिएक्शन करवाएंगे एल्कलीज यानी कि बेसिस से। तो क्या होता है अगर जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कली का बेसिस से, सो फॉस्फोरस ले लेते हैं और हम हमेशा की तरह जो हमारा कॉमन बेस है NaOH उसे लेंगे, और वाटर भी हम साथ में इसके डालते हैं रिएक्शन को और एफिशिएंट बनाने के लिए। और ये देखिए जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक और चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास फॉस्फोरस लिया है हमने, फॉस्फोरस जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, वो होता है PH3 जिसे हम फॉस्फीन कहते हैं, फॉस्फीन बनाता है। और जो हमारे पास बच गए हैं सोडियम और हाइड्रोजन बच गया है, और थोड़े से हमारे पास फिर फॉस्फोरस बच जाते हैं, तो ये सब मिलकर के एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव H2PO2 नेगेटिव फॉर्म में होता है, ये आयनिक फॉर्म में अटैच होते हैं, सोडियम नाम लिख लीजिए इसका, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट हम इसे बोलते हैं, और ये फॉस्फीन के साथ बनके तैयार हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर एक और मेन बात है कि यही जो मैंने आपको अभी बताया कि जो H2PO2 नेगेटिव हो ये बना है हमारे पास, इसको हम हाइपोफॉस्फेट आयन कहते हैं, ठीक है। या अगर सिर्फ आयनिक फॉर्म में होगा तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, ये क्या है, हाइपोफॉस्फेट आयन कहते हैं हम इसे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास रेड फॉस्फोरस। तब हम देखेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उसकी कुछ रिएक्शंस अगर हैं तो वो वाली हम करके सब कुछ देखेंगे। तो प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब जो होती है रिएक्शंस बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। एक बार हमने अगर वाइट फॉस्फोरस को अगर हमने प्रिपेयर कर लिया है तो हम आराम से अब कोई भी फॉस्फोरस यानी कि रेड एंड ब्लैक दोनों के दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है उस रिगार्डिंग बनाना पड़ता है जिससे कि हम रेड फॉस्फोरस तक अचीव हो जाएँ और वहाँ तक हमारा जो टेम्परेचर है अचीव कर लें हम। तो देखिए यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस है, इसमें हम देखिए टेम्परेचर क्या डालते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 573 केल्विन प्रोवाइड करवाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब होती है रिएक्शन तो P4 रेड बनता है। अब यहाँ पर आपको समझना है इस बात को कि जब हमने वाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन प्रोवाइड करवाया टेम्परेचर, तब क्या बना है, रेड फॉस्फोरस। अभी ऐसे ही केस जो आएगा रेड ब्लैक के लिए भी आएगा, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है यहाँ पर रेड फॉस्फोरस बनाने में और ब्लैक फॉस्फोरस बनाने में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसका,
वो कुछ ऐसा बनता है, बनता कुछ ये रहा आपके पास फास्फोरस, तीन बॉन्ड बनाएगा ये तीन बॉन्ड बनाता है इस तरह से, ठीक है, ये तीन बॉन्ड बन गया इसके। तो अगर जो तीसरा बॉन्ड होता है वो दूसरी चेन से बनाता है, दूसरे फास्फोरस से बनाता है, ये रहा आपके पास फिर से फास्फोरस, ठीक है, ये रहा फिर से फास्फोरस। फास्फोरस स्ट्रक्चर जो है आपका वैसा ही है, बट यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, ये देखिए लीनियर फॉर्म में है और बहुत सारे हैं, तो पॉलीमर भी है ये, है ना, तो लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारे पास लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कंटिन्यू जो है बनता रहता है, तो इसे हम लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, हम फिर से इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे हमने वाइट फॉस्फोरस के केस में देखी थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेड फॉस्फोरस होता है कंपैरेटिवली वाइट फॉस्फोरस से नॉन पॉइजनस होता है। देखिए हमने वहाँ पर तो देखा था कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए फॉसी जॉ जो होती है डिजीज़ हो जाती है, जो भी वाइट फॉस्फोरस की फैक्ट्री में काम करता है बनाते हैं उन लोगों को। मगर ये जो होता है ये होता है नॉन पॉइजनस, यानी कि ये उससे कम रिएक्टिव होता है, उतना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उतना ज़्यादा यहाँ पर एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, तो ये कम रिएक्टिव होता है। सो इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उल्टी बात हो गई है ना, ये पॉइजनस कम है तो उसे तोड़ने में हमें क्या करना पड़ेगा, कम रिएक्टिव है आप कह सकते हैं, तो तोड़ने में हमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स यहाँ पे मतलब है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली वाइट फॉस्फोरस के। मैंने रेड फॉस्फोरस मतलब मैंने ब्लैक फॉस्फोरस नहीं बोला है, मैंने बोला है यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस के कंपेरेटिवली इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होता है, और इसके स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया है लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर क्या है इसका हाई वैल्यू है। अब इतना अच्छी चेन बन रही है, इस चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे हम। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर अगर कोई फॉस्फोरस का एलोट्रोप बना रहा है तो उसको हमें तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, ऑब्वियसली फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो हमें रीज़न भी बताना चाहिए, किसी का लो है तो लो क्यों है और हाई है तो हाई क्यों है। वाइट फॉस्फोरस में तो रीज़न ये था कि उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा था, उसकी वजह से हमें बहुत कम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने में वो तोड़ दे रहा था, बट यहाँ पर क्योंकि अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छी लीनियर चेन है, यहाँ पे लीनियर पॉलीमरिक चेन है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर क्या बन रहा है बॉन्ड बन रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें वाइट फॉस्फोरस से। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है इनसॉल्युबल होता है, ना ही ये वाटर मत इसमें केस ये है कि ना ही ये वाटर में सॉल्युबल है और ना ही ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, ना ही ये सॉल्युबल वाटर में हो रहा है, ना ही ये क्या हो रहा है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, तो ये यहाँ पर दोनों में से किसी में भी सॉल्वेंट सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो होता है एल्कलीज से तो रिएक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होता है इसका, रिएक्शन नहीं हो पाता है, इट डज़ नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। तो वहाँ तो हमने दिखाया था रिएक्शन पूरी अच्छे से, बट यहाँ पर जो होती है इसकी रिएक्शन नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लैक फॉस्फोरस। सो ब्लैक फॉस्फोरस की प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने वाइट फॉस्फोरस बनाया है तो बस हमें क्या करना है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करके, इसका प्रेशर चेंज करके हमें क्या बनाना है रेड फॉस्फोरस बनाना है। यहाँ पर एक चीज़ तो सेम रहती है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है थोड़ा बहुत सेम रहता है। जैसे हमारे पास वाइट फॉस्फोरस बन चुका है तो हम यहाँ पर दोनों टाइप के फॉस्फोरस बना सकते हैं। वाइट फॉस्फोरस में अगर हमने 473, वहाँ पर हमने 573 लिया था, थोड़ा कम अगर हम लेंगे 473 केल्विन अगर हम यहाँ पर लेते हैं टेम्परेचर विद 4000 ATM प्रेशर, 4000 ATM से 12000 ATM हो सकता है प्रेशर, और इस टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमारा ब्लैक फॉस्फोरस बन के तैयार होता है, ब्लैक फॉस्फोरस बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर याद करना है, दोनों के टेम्परेचर वहाँ पर 573 था, यहाँ पर 473 है विद यहाँ पर प्रेशर भी है 4000 ATM एंड 12000 ATM। ये जो चीज़ें हैं यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्रिपेयर कीजिए ब्लैक फॉस्फोरस को, क्योंकि ये जो है सिंपल सा एक स्टेप होता है और इसमें ही आपको कितने अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आपको याद है तो, है ना। तो अगर हम वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, वहाँ पर थोड़ा मेथड है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ टेम्परेचर याद करना है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ साथ, और अगर ब्लैक फॉस्फोरस की बात है तो सिर्फ हमें प्रेशर और वो याद करना है, और हमने यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस से ब्लैक फॉस्फोरस बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि
आपको ब्लैक फॉस्फोरस प्रिपेयर करना है बट वाइट फॉस्फोरस से नहीं। तब आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? तब आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वाइट फॉस्फोरस को तैयार किया था वैसे वाइट फॉस्फोरस को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो छोटी सी स्टेप है इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको मेरी कि ये शुरू से स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो इसीलिए जो वाइट फॉस्फोरस है उसका भी आपको प्रिपरेशन आना चाहिए। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो हमारा बना था रेड फॉरेस्ट फर्स का, उससे और ज़्यादा ये बनता है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे ये रहा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ये रहा बॉन्ड्स, तीन तीन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड ये रहा, सब तीन तीन बॉन्ड बनाएंगे, ये भी तीन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। और ये कुछ हेक्सागन शेप बन रहा है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सारे के सारे यहाँ पे फॉस्फोरस क्या बना रहे हैं, तीन तीन बना रहे हैं। ये मतलब कंटिन्यू होती रहेगी ये चेन। ओके, तो मैं पूरा थोड़ा ना बनाऊँगी इसमें, तो जितना आपको लगता है कि आप एग्जामिनर को उतने में समझा सकते हो उतना आप बनाइए। मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए ये पूरा बना रही हूँ। ओके, तो ये पूरा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाता है। ये रहा आपके पास फॉस्फोरस और इसके तीन बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पर रहते हैं इस तरह से। और ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, इसे हम कहते हैं, देखिए हमने पहले तो लीनियर पॉलीमेरिक पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं हाई पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है हाई पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो हाई पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो हाई पॉलीमराइज्ड तो होगा ही, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गई है ना। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा स्ट्रक्चर है वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, वैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, है ना, उतना ही रिएक्टिव होगा वो हम कह सकते हैं। ओके, तो जैसे कि इसका हमने बोला था प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। जो रेड हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो इट हैज़ ब्लैक मेटलिक स्ट्रक्चर, जैसे कि उसका नाम है ब्लैक है तो ब्लैक एक ब्लैक क्लस्टर आपको दिखाई देगी उसमें, ब्लैक फॉस्फोरस में मेटलिक क्लस्टर जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई है ब्लैक मेटलिक क्लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो क्योंकि आप जानते हैं ये खुद इतना स्टेबल इसका स्ट्रक्चर बन रखा है तो वो क्यों चाहेगा किसी और को डिस्टर्ब करे, अपना इतना स्टेबल इसका स्ट्रक्चर बन रखा है ऑलरेडी तो वो अपने क्यों बॉन्ड तोड़ेगा, है ना। सो इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। आप देख सकते हैं कितना स्टेबल है, जितना पॉलीमराइज होता है आपके कोई भी कंपाउंड है तो वो अगर एलिमेंट कितना भी अच्छा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल बन जाता है। तो यहाँ पर भी सेम है, फॉस्फोरस का जो एलोट्रोप में से अगर कोई पूछ ले आपको सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है तो आप बोलेंगे ब्लैक फॉस्फोरस, और कब सबसे अनस्टेबल फॉर्म कौन सी आप कहेंगे वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि उसका जो एंगल स्ट्रेन है उसकी वजह से, हाई ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन है उसकी वजह से। यहाँ पर जो है इसकी इसकी वजह क्या होगी, मोस्ट स्टेबल क्यों है ये रिएक्शन जो आपके पास हमने करी है, हाईली पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है ना, ये जो है हाईली पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है इसकी वजह से। मैटर जो है इन तीनों में इनकी स्ट्रक्चर ही कर रही है, इनकी स्ट्रक्चर ही इन्हें बना रही है, ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव बॉइलिंग पॉइंट हाई लो जो हो रहा है स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब ये भी जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, ठीक है। वो जो हमारे पास वाइट फॉस्फोरस था वो एटलीस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो हो रहा था, रेड फॉस्फोरस और हमारे पास जो ब्लैक फॉस्फोरस है दोनों में ही इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हाई पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है इसका तो यहाँ पर भी इट हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और ये दोनों के कंपैरिजन में बोल रहे हैं दोनों से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ब्लैक फॉस्फोरस का होता है। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद एल्कली, तो ये भी एल्कली से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आज हमने पढ़ा है तीनों के तीनों एलोट्रोप्स के फॉर्म्स देखे। तो अगर आपको एक क्विक रिविजन चाहिए तो मैं आपको फटाफट बता देते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने स्टार्ट किया था विद वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस में हमने देखा उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल में बेसिकली 109 डिग्री सेल्सियस होता है बट उसका 60 डिग्री था, वो क्यों था, एंगल स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि जैसा उसका P4 का स्ट्रक्चर होता है उसे बनाने के लिए उसे अपना एंगल स्ट्रेन तो मेंटेन करना पड़ेगा, उतना एंगल स्ट्रेन जो है उसे सहना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है तो ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, उससे क्या हो रहा है हमारे पास जो फर्जी जॉ डिजीज़ है वो हो रही है ना, और वाइट फॉस्फोरस की वजह से होती है वो डिज़ीज़। और हमने देखा उसका इनसॉल्युबल, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे सॉल्युबल होता है, इतना हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वाइट, वाइट के बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास रेड फॉस्फोरस है उसका हमने
रिएक्शन करवाया था उसका, वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाया था 573 केल्विन में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करी थी जो हमने रेड फॉस्फोरस को प्रिपेयर कर लिया था, राइट. और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर देखा जो कि क्या था, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर था. लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा स्ट्रक्चर है तो उसे तोड़ने में हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. और ये भी क्या होती है, नॉन पॉइजनस होती है, ठीक है. मतलब ये वाली जो होती है नॉन पॉइजनस होती है, वाइट फॉस्फोरस तो पॉइजनस होती है. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका भी हाई होता है क्योंकि ये अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा. और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वाटर में भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है, और ना ही ये एल्कली से रिएक्ट करता है और ना ही ये मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता है, एल्कलीज से बेसिकली रिएक्ट नहीं करता है. फिर हम जाएंगे ब्लैक फॉस्फोरस पढ़ेंगे. ब्लैक फॉस्फोरस हमने प्रिपेयर किया वाइट फॉस्फोरस से 473 केल्विन. बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो इम्पॉर्टेंट है. 4000 एटीएम से 12000 एटीएम इसका प्रेशर रहता है जब हमें मिल जाता है ब्लैक फॉस्फोरस. स्ट्रक्चर कैसी थी इसकी, हाईली पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ब्लैक मेटलिक क्लस्टर दिखाई देती है जब इसका हम एलिमेंट देखते हैं, तो ये जो होता है ब्लैक मेटलिक क्लस्टरस होता है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि स्टेबल है. तो जो स्टेबल होगा तो सबसे कम रिएक्टिव होगा ना, किसी और को क्यों तंग करेगा वो. इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस. और वो है क्यों, वजह आपको हमेशा आनी चाहिए, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो उसकी वजह होंगी, हाईली पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर और दोनों में ही वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्यूवेंट में इनसॉल्युबल होता है. और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोनों ही हाई होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसे बॉयल और मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा. और लास्ट हमने पढ़ा इसका एल्कली से भी ये रिएक्ट नहीं करता है. तो देखा जाए तो थोड़े बहुत जो हैं रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस सेम है, वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, तो इतना हमने आज देखा. इफ़ यू फाउंड माय वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. If you really wanted to learn like this, so keep watching my videos and stay tuned.